कमान और कैसे क्या होता है ये बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि वसंत सोरेन अभी तक उनके बारे में जो हमें जानकारी है काफी दबंग प्रवृत्ति के नेता माने जाते रहे हैं और अपनी बात मनवाना उन्हें बखूबी आता है, और इस बात को लेकर कहीं टकराव ना हो, हेमंत सोरेन के साथ टकराव की नौबत ना आए इसलिए उन्हें सत्ता से दूर रखा गया था। ये भी सोरेन परिवार की एक रणनीति थी कि उन्हें अभी तक बचा कर रखा गया था सक्रिय राजनीति में या किसी भी मुद्दे पर उन्हें सामने नहीं लाया गया था, लेकिन अब एक बड़ी भूमिका लेकर आए हैं और अगर उन्हें डिप्टी सीएम का दर्जा दिया जाता है तो ये देखने वाली बात होगी कि संतुलन सत्ता का कैसे बनता है, क्योंकि सत्ता का संतुलन बना रहना काफी जरूरी होता है। अब फाइलें कहां से होकर गुजरेंगी, निर्णय कौन लेगा, इन तमाम चीजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। मतलब बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि ये सब कुछ ठीक है, हेमंत सोरेन जेल में है लेकिन सरकार जो है अच्छे से चलता रहेगा, लेकिन इस कैबिनेट के निर्माण में या विस्तार में ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है कि आखिरी वक्त में नाम को हटाना पड़ा, कांग्रेस के नेता आखिरी वक्त तक विरोध करते रहे, बंद कमरे में बैठ करके तमाम लोग जो है रणनीति बनाते हैं, जब अभी से सरकार के सामने ये चुनौतियां हैं तो फिर आगे और मुसीबतें बढ़ सकती है। देखिए जेएमएम में कोई मुश्किल नहीं था, जेएमएम में ये चीजें बड़ी आसान थी कि आलाकमान ने निर्णय ले लिया कि दीपक बिरुआ को बनाना है और बसंत सोरेन को बनाना है तो कहीं कोई आवाज उठा नहीं सकता है वहां पर, लेकिन कांग्रेस में ऐसी परिस्थितियां नहीं है। कांग्रेस में कई दावेदार पहले से थे, प्रदीप यादव दावेदार थे, अनूप सिंह दावेदार थे, राजेश कच्छप दावेदार थे, इरफान अंसारी दावेदार थे, इसके अलावा महिला ब्रिगेड में दीपिका पांडे, बताया जा रहा था कि केंद्र में उनकी काफी अच्छी छवि है और काफी मुखर भी मानी जाती हैं, वो दावेदार थी। अंबा प्रसाद उनके पिता जोगेंद्र साव का भी बयान आया कि मौका मिलना चाहिए। उसी तरह से पूर्णिमा नीरज सिंह, वो भी लंबे अरसे से पार्टी से नाराज बताई जा रही थी कि अगर उन्होंने पार्टी की बैठकों में आना तक बंद कर दिया था। इसी तरह की कई चीजें, कई ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई इसमें कई फॉर्मूले तैयार किए गए थे। सरफराज अहमद अभी निकले हैं विधायक जो कि इस्तीफा दिए थे गांडे से, उनका इस्तीफा भी लिया गया था और ये कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन को राजनीति में एंट्री कराया जाएगा, उनके लिए सीट खाली कराएगा, लेकिन वो भी फार्मूला जो है एक तरह से कामयाब साबित नहीं। बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर सरफराज जी का इस्तीफा ले लिया गया तो इसके पीछे देखिए मंशा तो स्पष्ट थी कि कल्पना सोरेन को सीट पर चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि सीता सोरेन की तरफ से घर से विरोध किया गया। वहीं दूसरी बात ये भी आई कि अगर कल्पना सोरेन को सीएम बना दिया जाता है और अगर चुनाव आयोग चुनाव कराने से इनकार कर देता है, क्योंकि ये कंडीशन है, एक बार अदालत से ये निर्णय भी आ चुका है कि अगर एक साल से कम वक्त बचा है तो उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे विधानसभा चुनाव में एक साल से कम, और यही स्थिति यहां उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि अगर नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक से इलेक्शन होते मान लीजिए कि या नवंबर अंतिम सप्ताह में, तो ऐसे में एक साल से कम वक्त बचा रह रहा था और उपचुनाव नहीं होता, इस सूरत में कल्पना सोरेन को भी इस्तीफा देना पड़ता और फिर किसी तीसरे मुख्यमंत्री को जेएमएम को सामने लाना पड़ता, तो इसलिए जाहिर सी बात है सलाहकारों ने गलत सलाह दिया और उसका खामियाजा सरफराज अहमद जी को उठाना पड़ा है। यही इसी बात को लेकर विपक्ष भी हमला कर रही है, विपक्ष कह रही है कि एक अल्पसंख्यक विधायक को इस्तीफा दिला दिया गया। अब विपक्ष ये कहेगी कि एक दलित कोटे से एक मंत्री बन रहे थे तो उन्हें बुलाकर उन्हें सम्मान नहीं दिया गया। अब जवाब क्या कुछ आएगा ये देखने वाली बात होगी। और एक एक कर आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तुविहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तुविहार।